नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। पूरे भारतवर्ष में LIC का जो एजेंट है लगभग 12.5 लाख के आसपास में उसकी संख्या है, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में तमाम जो LIC एजेंट है वह धरने पर बैठे हुए हैं। कारण ये है कि पॉलिसी लेने वाले और पॉलिसी देने वालों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा हुआ है, और कहीं कहीं पॉलिसी लेने वालों के जो GST है, पॉलिसी में कहीं कहीं GST 18% से ज़्यादा लगा दिया गया है। इससे एजेंट और जो पॉलिसी देने वाले लोगों के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कई कारण है, क्या दिक्कत हो रहा है, आइए हम यहाँ पर जो तमाम जो एजेंट बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं कि कहाँ किसकी चूक हुई और क्यों आज ये लोग आज धरने में बैठे हुए हैं। तो दादा पहले ये आप बताइए अपना नाम क्या हुआ। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव अभिकर्ता सर शाखा। क्या क्यों आज आप लोग धरने गए? हम लोग आज नहीं सर, ये हम लोग का नन कॉपरेशन 30 सितंबर से चल रहा है और ये नवंबर 30 तारीख तक चलेगा। ये हमारा जो LIC प्रशासन है अभी एक सितंबर से ये हमारा एजुकेशन चल रहा है और ये 30 नवंबर तक चलेगा 2022। कारण ये है कि हम लोग कस्टमर को जो बता के आते हैं कि सर आप ये पॉलिसी हमारे पास जो करवाए आपको ये मिलना है, लेकिन मिलता कम है। जिसकी सजा पॉलिसी होल्डर हमसे लेते हैं, हमको डांटती है कि आप तो बताए थे सर कि 10 लाख मिलना है, क्यों हमको 8 लाख मिलना। उसके बाद पॉलिसी के इंश्योरेंस पीरियड पे GST लगा दिया है, जो हम लोग उसको एकदम पूरी तरह से निराधार मानते हैं कि आप प्रीमियम पे भी GST लेंगे, फिर जिस दिन मैच्योरिटी देंगे उस दिन भी GST काटेंगे, तो किस किस जगह पे पॉलिसी होल्डर बीमा धारक GST तो क्यों देंगे? ये तो लोग अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए न करवाता है सर ये पॉलिसी, कि कल हम नहीं रहे तो मेरे परिवार को सहायता मिले। तो उस पर आप GST लगा दिए, सारी जगह जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 9.5% चल रहा है। आप हमारे जो कर्मचारी हैं उसको साल में 2 बार आप महंगाई भत्ता देते हैं, DLA बढ़ाते हैं, और हम लोग जो 1938 का जो इंश्योरेंस एक्ट में कमीशन बना है उसी पे हम लोग आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। 12,60,000 है और हम लोग का कमीशन को अभी आघात किया जा रहा है। आप लोग के लिए महंगाई नहीं बढ़ाई गई? नहीं, हम लोग के लिए तो नहीं बढ़ा है। जिस दिन हम लोग एजेंसी की स्टार्ट किए थे सर, उन्हें 28 रुपया पे पेट्रोल मिला करता था, अभी 107 रुपया पे हम लोग पेट्रोल पे बाइक पे घूर रहे हैं। सारा दिन धूप गर्मी में हम लोग बर्दाश्त करें और लाके प्रीमियम दें, जबकि LIC का 96% प्रीमियम आप नेट पे खंगाल के देख लीजिए एजेंट के थ्रू आता है, ये नहीं कि मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन मैंने किसी और थ्रू आता। फिर भी LIC जब आप मैंने प्रशासन से बात कीजिएगा तो बोलेगा नहीं, एजेंट मेरा मेरुदंड है, एजेंट मेरा बेस है, और एजेंट को आप धक्का दे के निकाल रहे हैं। जबकि 12,60,000 यदि हम अभी करता है सर, तो कम से कम लगभग 1 करोड़ जो जनसंख्या है भारत का, अपने आप हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय होकर सबको अपना भरण पोषण कर रहे हैं। आप रोजगार दे नहीं सकते हैं, रोजगार से हम लोग को निकाल रहे हैं। जब आप कमीशन घटा देंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? महंगाई कहाँ पहुँच गया है तो सबके सामने, ये कोई छुपने वाली चीज़ तो है नहीं। त्यौहार का समय है, महंगाई बढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं एजेंट के लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ा है। क्या इसके परिवार कैसे जीवन गुजर बसर कर रहे होंगे? आइए और एजेंट है उनसे पूछते हैं क्या तकलीफें हैं और उसकी मुख्य मांगे क्या। मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी। तो क्या 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 मुख्य मांगे आप लोगों की आज? आज हम लोगों का जो मुख्य मांग है, हम लोग का IRDA के तहत से जो कमीशन ऑलरेडी करता हुआ था, और LIC से, चूँकि हम लोग LIC से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग LIC से मांग करते हैं कि सब सर्वप्रथम कि हमारे जो कस्टमर है, जो मेरे ग्राहक है, उसका दिन ब दिन जो बोनस घट रहा है आप उसको इंक्रीज करें। जो भी पैसा आपके यहाँ 15 साल 20 साल के लिए लगा था, आज मान लीजिए वो 20 रुपया का है या 30 रुपया, उसको 20 की मत दें, उसको आप 27 करिए, 30 करिए। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो हम लोग बोनस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, भारत सरकार जो GST लगाई हुई है प्रीमियम, तो प्रीमियम पर GST लगाने का मतलब टर्म इंश्योरेंस जो होता है, जो मुख्य इंश्योरेंस सिर्फ होता है उस पर आप GST लगाइए, बट रेगुलर सेविंग्स कम इंश्योरेंस प्लान जो होता है उस पर GST ना लगाए। इसका विरोध हम लोग IRDA से कर रहे हैं। और कुछ बातें जो हम लोग अभिकर्ता ग्रुप के लिए, जब 1956 में LIC का स्थापना हुई थी, उस समय जो LIC का एजेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कमीशन था आज भी वही है, लेकिन आने वाला समय में जो स्थिति बन रहा है वो कुछ और हो रहा है। मतलब IRDA उस कमीशन को और घटाने के लिए चाह रहा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है,
किसी का सैलरी 25,000 से शुरू हुआ था, आज 1.5 लाख पहुंच जाता है। हम लोग का कमीशन अगर मान लीजिए 5 रुपये से शुरू हुआ है, आज उसको 3 रुपये करने का मुकाबला है। इसी के लिए हम लोग मुख्य रूप से हम लोग कस्टमर का बोनस रेट बढ़ाने के लिए, प्रीमियम पर GST हटाने के लिए, और अभिकर्ताओं का मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रे चुकी जो होता है कि हम लोग मान लीजिए 60 साल उम्र तक हम इस LIC का सेवा की, इस मंदिर का पूजा की, और हम लोग जब बाहर चले गए 60 साल के बाद, तो कुछ तो एक पारितोषिक लाभ होना चाहिए, उसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं मुख्य रूप से। इससे पहले जो भी हमारा LIC का प्रबंधन से बातचीत हुई थी वो वैसे सकारात्मक नहीं हुआ है। आज IRDA के चेयरमैन जो है, हमारे लियाफी के जो सेंट्रल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनको सामने में बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो आगे देखिए क्या दिशा निर्देश त्यौहार का मौसम है और इस मौसम में आप क्या करें सर, जब हम सर देखिए सर जब रोजी रोटी की सवाल आती है तो त्यौहार नहीं देखा जाता है। आज हम लोग रोजी रोटी के लिए जब आ गया कि हमारा जो भी 2 रुपया आता था, हम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं लोगों का सैलरी 25,000 से 1.5 लाख हो जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कमीशन बढ़ाओ, ये तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा कमीशन जो मिला उसको घटा दो, कैसे सर्वाइव करेंगे इस महंगाई में। हमारे साथी बोले 25 रुपया पेट्रोल से हम लोग 25 रुपया लीटर से शुरू की एजेंसी करना, आज 110 रुपया लीटर में पेट्रोल भरा रहे हैं और आने वाला समय में और बढ़ेगा ही, और उस परिस्थिति में आप हमारा कमीशन काट रहे हैं। हमारे लिए कोई ग्रुप मेडिक्लेम सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल में लोगों को 50-50 लाख का सुविधा दिया, हम लोग उस कोविड काल में दिन रात दाया बाया करके बीमा किए, अच्छा प्रदर्शन के पूरे भारत वर्ष में आज LIC का रेटिंग ग्रोथ रेट जो है, जो पूरे बाजार का रेट है वो 76% ला के रखे हैं, उसमें कमी नहीं रखे हैं, तो हमारा भी सिक्योरिटी होना चाहिए। हम LIC प्रबंधन से मांग करते हैं कि हम लोग का कम से कम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस हो, ग्रेचुटी अमाउंट मेडिकल हो, और IRDA से हम लोग निवेदन करते हैं कि कस्टमर का जो GST लगता है प्रीमियम में उसको हटा। चलिए विभिन्न मांगों को लेकर के आज तमाम एजेंट अभिकर्ता लोग बैठे हुए हैं, अब देखिए आज बैठक के बाद ही तय होगी कि क्या आगे का प्लान है।